हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। एंड हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं बिकॉज़ वी ऑल नो दैट यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर पेपर वन एंड पेपर टू दो पेपर्स होते हैं। पेपर वन इज़ कॉमन फॉर ऑल, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। सो हम पेपर वन के कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यूनिट इज़ टीचिंग। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक पॉइंट। सबसे पहले आपको टीचिंग के बारे में थोड़ा जो भी जनरल नॉलेज होना चाहिए, सो दैट वी आर गोइंग to do in this video, and this is also important from every teaching point of examination. चाहे आपका कोई भी exam हो, CTET का exam हो, HTET हो, GSSB हो, KVS हो, NVS हो, कोई भी exam हो आपका, लेकिन उसके लिए teaching is a very important topic. So we are going to do that. So let's start. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग? वी ऑल नो टीचिंग मीन्स कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। सो वही हम करेंगे। टीचिंग इज़ बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। टीचिंग साइंस भी है, विज्ञान भी है, और टीचिंग आर्ट भी है, कला भी है। अगर आपको किसी को इफ़ेक्टिव टीचिंग देनी है, मीन्स अगर आपकी टीचिंग ऐसी हो कि कोई उससे कुछ सीखे, यानी कि आपको अगर अपनी टीचिंग इफ़ेक्टिव बनानी है तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। एंड ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ये प्रीवियस नॉलेज पर बनाए गए हैं। मींस पुराने ज्ञान को, पुरानी नॉलेज को इकट्ठा करके ये कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। एंड इफ़ यू विल फॉलो दिस, तो आपकी टीचिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव बन सकती है। सो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक साइंस है, बिकॉज अगर आपको इफ़ेक्टिवली टीच करना है, देन टीचर को कुछ सर्कमस्टांसिस को अडॉप्ट करना होता है, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना होता है। सो साइंस क्या है? साइंस एक, हम लैब के अंदर अगर स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं तो वहाँ हम क्या सिखाते हैं? हम उनको टेक्निक्स ही तो सिखाते हैं, दैट हाउ विल यू होल्ड द थर्मामीटर्स, हाउ विल यू होल्ड द फ्लास्क्स, आप किस तरीके से क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उन्हें अलग अलग टेक्निक सिखाना, तो सिमिलरली टीचर्स को भी अलग अलग टेक्निक सिखाना है ताकि वो अपनी टीचिंग इतनी अच्छी कर सकें कि वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। सो टीचर हैज़ टू डेवलप और कल्टिवेट हिज़ और हर ओन स्टाइल ऑफ टीचिंग इन ऑर्डर टू बिकम एन एफिशिएंट टीचर। ये भी बात ध्यान रखिए, कुछ हमारे अंदर इन बिल्ट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एंड एक अच्छे टीचर को अपने खुद का स्टाइल ऑफ टीचिंग डेवलप करना होता है अगर उसे एक एफिशिएंट टीचर बनना है तो। सो बेसिकली इस स्लाइड में हमने यही पढ़ा कि टीचिंग साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि टीचर को कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट करना होता है टू मेक हिज और हर टीचिंग इफेक्टिव। नाउ सी, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि आपको डेफिनेशन दे दी जाती है एंड पूछा जाता है कि बताइए ये डेफिनेशन किसने दी है। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बर्टन ने क्या कहा है, टीचिंग मैथड इज़ द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट फॉर लर्निंग। टीचिंग पढ़ाना एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप किसी को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए उसे डायरेक्शन देते हो, उसे गाइड करते हो, उसे स्टिमुलेट करते हो एंड उसे एनकरेज करते हो। तो ये वर्ड्स किसके हैं? ये बर्टन के वर्ड्स हैं। तो जहाँ पर उन्होंने चार चीज़ों पे फोकस किया है कि लर्निंग के लिए किसी को भी, कोई भी पर्सन हो, उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है एंड साथ में एनकरेजमेंट भी देना होता है। देन कम्स योकम एंड सिम्पसन। योकम एंड सिम्पसन ने क्या कहा है, टीचिंग इज़ द मीन्स वेयर बाय द सोसाइटी ट्रेन्स द यंग इन स्पेसिफिक और सिलेक्टेड एनवायरनमेंट टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड इन विच दे लीव एज क्विकली एज पॉसिबल। योकम एंड सिम्पसन ने ये कहा है कि टीचिंग एक ऐसा मीन है, एक ऐसा साधन है जहाँ पर सोसाइटी, हमारा समाज यंग लोगों को, जो हमारे यंग पीपल हैं, उनको ट्रेन करता है कुछ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, कुछ सिलेक्टेड एनवायरनमेंट में, कि आपको किस तरीके से इस वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट करना है, इन विच दे लीव एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जिस वर्ल्ड के अंदर आप रहने वाले हैं, उस वर्ल्ड में अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट है एंड हाउ यू आर गोइंग टू एडजस्ट इन दैट एनवायरनमेंट। सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ योकम एंड सिम्पसन। देन कम्स द फ्लैंडर।
फ्लेंडर ने ये कहा है, टीचिंग एक इंटरेक्शन प्रोसेस है जहाँ पे टीचर भी एंड स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एंड दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। तो इंटरेक्शन किस लिए होती है? ताकि जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव बने एंड लर्निंग लर्नर की लर्निंग भी हो जाए। तो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ फ्लेंडर। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, बर्टन ने 4 वर्ड्स पे जोर दिया कि आप स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को स्टिमुलेट कीजिए, गाइड कीजिए, डायरेक्शन दीजिए, एनकरेजमेंट दीजिए। वहीं योकम एंड सिम्पसन ने कहा है कि आपको इस एनवायरनमेंट में, इस वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट करना है एंड उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग आपको समाज देता है। देन फ्लेंडर ने कहा कि स्टूडेंट एंड जो टीचर होते हैं दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है एंड इससे दोनों का ही फ़ायदा होता है एंड डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाते हैं। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग? आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है? एम्स एट डेवलपिंग लव फॉर वर्क। आप किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किस लिए पढ़ा रहे हैं? ताकि वो अपने काम से प्यार करे, अपने काम को इम्पोर्टेंस दे। Inculcates the desire to do work with maximum efficiency which one is capable of. अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखाएंगे तो आप उसको उतना efficient बनाएंगे, उसके अंदर उतनी desire लेकर आएंगे कि वो अपने काम को अपनी पूरी efficiency से करे जितनी उसके अंदर capability है। Then develop the capacity of clear thinking. Teaching से आप उसकी thinking को clear करेंगे, doubts को ख़त्म करेंगे। Then provides adequate opportunities for participation. अगर कोई teaching करके कोई person है, means कोई learned है, कोई unlearned है, तो जो learned person होगा वो उसके पास ज़्यादा opportunities होंगी participation की, rather than that person जिसके पास टीचिंग नहीं है या जिसने कुछ नहीं सीखा। तो टीचिंग से आप किसी को अपने काम के प्रति लव करना सिखाते हैं, उसके अंदर डिज़ायर बिल्ड करते हैं कि वो अपने काम को एफिशिएंटली करे, क्लियर थिंकिंग रखे एंड साथ में अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब करे। Also, it expands students' interest. स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट करता है टीचिंग। pupils को हम स्टूडेंट्स ही बोलते हैं। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को प्रैक्टिकली भी अप्लाई करें। देखिए, एक होता है बुकिश नॉलेज एंड एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आपने कुछ बुक के अंदर पढ़ा लेकिन उस पढ़ाई को आप कहीं पे प्रैक्टिकली भी अप्लाई करें, ये भी टीचिंग में सिखाया जाता है। सो दे शुड अडेप्ट द 3 A, 3 A हैं हमारे। A जो हैं वो 3 क्या हैं? 1 इज़ एज, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। तो स्टूडेंट की क्या एज है, उसकी क्या एबिलिटी है, उसका क्या एप्टीट्यूड है। सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। देन ईगरनेस ऑफ द इंस्पेक्टोरेट्स मीन्स स्टूडेंट के अंदर आपको ईगरनेस भी क्रिएट करनी है। ईगरनेस मीन्स दे शुड बी मोटिवेटेड। उनको आपको एक तरीके से मोटिवेट करना है ताकि वो चीज़ों को सीखें। जनरल सपोर्ट ऑफ द प्रोफेशन। देन इट इज़ ऑल्सो अ टीम वर्क एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपको टीचिंग से स्टूडेंट के बीच में टीम वर्क लेके आते हैं, उनके बीच के अंदर आप एक सिक्योरिटी लाते हैं। क्योंकि देखिए, एक जो काम सीखा हुआ है तो आप किसी को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर सिक्योरिटी आएगी ही आएगी कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है। देन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आप जो भी सब्जेक्ट मैटर उसे सिखाएंगे, ऑब्वियसली उसके अंदर क्या आएगा, उसके ऊपर उसकी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उसकी पकड़ आएगी। देन प्रोविजन फॉर अ गुड लाइब्रेरी एंड टीचिंग लर्निंग मटीरियल। ऑब्वियसली टीचिंग से हमें एक बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, सो इट इज़ अ टीचिंग लर्निंग मटीरियल। एंड रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। देखिए, यहाँ पे सिर्फ टीचिंग करने से आप स्टूडेंट को ही नहीं सिखाते बल्कि खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो टीचर को भी सिखाने के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन कॉपरेशन ऑफ द पेरेंट्स। ऑब्वियसली पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स कॉपरेट नहीं करेंगे तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती।
देन कम्स द मेथड्स ऑफ टीचिंग, एंड मैं कोशिश करूँगी कि जब हमारी ये वीडियोज़ फिनिश हो जाएंगी पेपर वन की, देन वी विल ऑल्सो सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ पेपर वन बिफोर द नेट एग्ज़ाम जो कि जून के अंदर है. देन सी द मेथड्स ऑफ टीचिंग, एक्सपोजिटरी मेथड का जो पेपर है वो जुलाई 2018 एग्ज़ाम के अंदर पुटअप किया गया था. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज़ इंस्पिरेशनल मेथड. इंस्पिरेशनल मेथड इज़ वेरी मीन्स दिस इज़ बेसिकली ऑन द पार्ट ऑफ टीचर. अगर एक टीचर के अंदर इंस्पिरेशन नहीं होगी, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग होता है जब आपको कुछ समय के लिए कम स्टूडेंट्स के साथ आपको पढ़ने का पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो टीचिंग, एंड ये बीएड के अंदर सिखाया जाता है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन हाई एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर. तो यहाँ पे टीचर का इम्पॉर्टेंट रोल है कि टीचर सिमुलेट करे, टीचर मोटिवेट करे. While expository methods is cognitive emphasis is high, while student activity and emphasis on experience is low. यहाँ पर क्या होगा, lecture method होगा, you will simply give the lecture and student का role जो होगा वो काफ़ी कम होगा. Experience पे ज़ोर नहीं दिया जाएगा, student की activities पे ज़ोर नहीं दिया जाएगा, but they will just given the lectures, उनको सिर्फ lectures provide किए जाएंगे. So this is an expository मेथड्स. सो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि एक्सपोजिटरी है, सो दिस शुड बी एक्सपोज्ड ऑफ, आप इसको ख़त्म कर दीजिए, ये मेथड अच्छा नहीं है. तो एक्सपोजिटरी मेथड मीन्स द लेक्चर मेथड. ओके, आई थिंक याद रहेगा. देन देयर आर नेचुरल लर्निंग मेथड. नेचुरल लर्निंग मीन्स जहाँ पर लर्निंग नेचुरल वे में हो, जैसे आप स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप पर लेके जाइए. अगर आप स्टूडेंट्स को देखिए ये लर्न कराते हैं रेबिक क्रॉप, खरीफ क्रॉप, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक है, तो स्टूडेंट्स लर्न करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे. वहीं जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको बता देंगे कि किस टाइप की क्रॉप्स किस सीज़न में ग्रो होती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचुरली उन चीज़ों को सीखा है, अपने खेतों से अपने फील्ड में उन्होंने सीखा है. सो दिस इज़ कॉल्ड द नेचुरल लर्निंग मैथड. देन वन इज़ इंडिविजुअलाइज्ड मैथड. इंडिविजुअलाइज्ड मैथड मीन्स कि हर लर्नर टू अर्न एट हिज ओन प्लेस, मीन्स खुद से सीखे, सेल्फ स्टडी करे, केसेस को देखे, कंप्यूटर से सीखे, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे. तो यहाँ पर हर लर्नर पर ध्यान दिया जाता है, सो हर इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी जाती है. देन ग्रुप मेथड, यहाँ पे ग्रुप में टीम वर्क सिखाया जाता है. लाइक आप प्रोजेक्ट मेथड देते हैं, सोशलाइज्ड क्लासरूम मेथड्स देते हैं, थ्रू विच द स्टूडेंट्स ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स. देन देयर कम्स द इनकाउंटर मेथड. इनकाउंटर मेथड मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको एक प्ले दे दिया, एंड उस प्ले में आपका अलग अलग स्टूडेंट्स ले लिए आपने, एंड उनको अलग अलग रोल्स प्रोवाइड किए. सो दिस इज़ कॉल्ड एनकाउंटर मेथड, मीन्स जहाँ पर आप उनको, फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल में जा रहे हैं एंड एक स्कूल के अंदर आप एक प्ले देखते हैं. प्ले के अंदर क्या दिखाया जा रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं, प्लांट्स ट्रीज एंड प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एनकाउंटर मेथड, मीन्स जहाँ पे एक्सपीरियंस दिया जाता है स्टूडेंट्स को थ्रू कॉन्फ्रंटेशन, मीन्स वहाँ वो उस चीज़ को खुद फील करेंगे, एंड थ्रू एनकाउंटर इफेक्टिव ऑफ चेंज इन बेसिक बिहेवियर पैटर्न, जिनसे उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, उनकी नई सोच बनेगी. फॉर एग्जांपल द रोल प्ले, जैसे कि आपने क्या किया, स्टूडेंट्स को एक रोल दे दिया कि आपको एक वुमेन सेंट्रिक टॉपिक है, उसके ऊपर आप एक प्ले बनाइए एंड उसके अंदर आपका ये रोल है. सो वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद फ्रंट करेंगे उस सिचुएशन को, तो उनका बिहेवियर भी चेंज होगा, साथ में उनका न्यू वे ऑफ लुकिंग भी आएगी. देन कम्स द डिस्कवरी मेथड. डिस्कवरी मेथड्स आर हाई ऑन ऑल डायमेंशंस लाइक लर्नर एक्टिविटी, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन बाय लर्नर, एंड कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग लाइक द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. अगर आपने पता हो, अगर आपने कभी पढ़ा हो, तो डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोज करना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बाइक, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टू इन्वेंट, टू फाइंड समथिंग न्यू. आपको कुछ न्यू सर्च करना है, डिस्कवर करना है, तो ये मेथड्स काफ़ी हाई डायमेंशंस पे वर्क करता है. ऑब्वियसली अगर आप कुछ डिस्कवर करेंगे तो
लर्नर एक्टिविटी भी करेगा, उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, वो एक्सपेरिमेंट भी करेगा, सो उससे उसकी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी एंड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे उन मेथड्स को भी वो डिस्कवर कर सकता है। सो बेसिकली टीचिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इम्पार्ट्स नॉलेज इन एन एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर में स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, उनके अंदर डिज़ायर, हैबिट, एटीट्यूड को डेवलप करना, एक जेन्युइन अटैचमेंट उनके अंदर क्रिएट करना टुवर्ड्स द वर्क एंड कि वो एफिशिएंटली काम करें, ऑनेस्टली काम करें। सो दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। देन द प्रिंसिपल ऑफ वर्बलिज्म एंड मेमोराइजेशन एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट मेथड शुड बी असिमिलेटेड इन द स्कूल प्रैक्टिस। स्कूल के अंदर आप स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट सिखाइए, मेमोराइजेशन एक्टिविटी। देखिए अगर आपको कोई चीज़ लर्न भी करानी है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में डेट्स एंड ऑल लर्न करानी होती हैं, तो वो भी आप एक्टिविटी के थ्रू अगर लर्न कराएंगे तो वो स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी समय तक रहेंगी। देन इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न एक्टिवली एंड टू अप्लाई प्रैक्टिकली द नॉलेज दैट दे हैव एक्वायर्ड इन द क्लासरूम। टीचिंग का एम ये भी होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को एक बार आपने क्लासरूम में नॉलेज दे दी तो अब आपको उन्हें ये मौका भी देना है, ये चांस भी देना है कि वो उस नॉलेज को प्रैक्टिकली भी अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आपने उन्हें कुछ साइंस के अंदर पढ़ाया तो अब आप उन्हें बोलिए कि आप ऐसा जाइए, ग्राउंड में जाइए एंड ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की लर्निंग जो होगी वो बहुत अच्छी हो पाएगी। देन क्लियर थिंकिंग करनी है, क्लियर एक्सप्रेशन करना है, बोलने में भी लिखने में भी। लर्नर को ट्रेन करना है इन द टेक्निक ऑफ द स्टडी मैथड्स ऑफ एक्वायरिंग कि वो खुद अपने एफर्ट से, खुद इनिशिएट्स लेकर अपने पढ़ने के मैथड्स को, अपनी टेक्निक्स को ट्रेन करें, सीखें खुद से कि हम कितने अच्छे से कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। देन दिस इज़ अ वेल थॉट आउट अटैम्प्ट शुड बी मेड टू अडॉप्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू बेनिफिट ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। एंड ऑब्वियसली देखिए आपको कुछ ऐसे अटैम्प्ट लेने हैं, कुछ ऐसे मैथड्स फॉलो करने हैं जिससे सभी कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। यू शुड नॉट फोकस ओनली ऑन इंटेलिजेंट, यू शुड नॉट फोकस ओनली ऑन एवरेज, यू शुड नॉट फोकस ओनली ऑन बिलो एवरेज, बल्कि आपको सभी कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो ग्रुप्स में काम करें, प्रोजेक्ट्स लें, एक्टिविटीज़ लें, ताकि उनके अंदर ये क्वालिटी बिल्ड हो कि वो ग्रुप के अंदर कैसे लाइफ ले सकते हैं, कॉपरेशन वर्क सीखें, ताकि आगे सोसाइटी में भी जाकर उनको कॉपरेशन की उनके अंदर भावना जागृत की जा सके। देन कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। जब आप टीच करते हैं तो आपको क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। बेस्ट टीचर वही होता है जो मोटिवेट कर सके, हु इंस्पायर्स द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सके, बिकॉज ह्यूमन माइंड एक पैराशूट की तरह है एंड इट वर्क्स ओनली वैन इट ओपन्स। तो बच्चे का दिमाग जो है वो पैराशूट है, बंद है, तो अगर आपको उसे खोलना है तो खोलोगे तभी वो काम करेगा। तो स्टूडेंट्स के माइंड को ओपन करने के लिए टीचर को ये ट्राई करना चाहिए कि उनका टैलेंट को वो यूज़ करें, उन्हें मोटिवेट करके, मोटिवेट करेंगे तो उनके माइंड खुलेंगे एंड दे विल लर्न मोर। देन कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी मीन्स टीचर को स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में पार्ट कराना चाहिए, लाइक डिस्कशन करें, रिसर्चेस करें, तो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ वो करें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल्स क्रिएट ले सकें एंड साथ में अलग अलग चीज़ों को भी सीख सकें। देन टीचर शुड अराउज इंटरेस्ट इन स्टूडेंट। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक को सीखें तो उसमें उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो टू मेक स्टूडेंट रिस्पेक्टिव टीचर हैज़ टू एलिसिट इंटरेस्ट बाय अडॉप्टिंग सुटेबल मेथड्स। जैसे कि हमने उन्हें कोई स्टोरी बता दी, ठीक है, कोई क्वेश्चन उनसे पुटअप कर लिया, कोई उन्हें एग्जांपल बताया, तो उससे उनको इंटरेस्ट क्रिएट होगा रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द टॉपिक। फॉर एग्जांपल व्हेन टीचर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, टीचर कैन
elicit interest of students by advising them to take idli for breakfast while traveling, not only because idli is the combination of pulses and cereals, but also prepared in steam, so moist heat, which is considered as one of the best method of sterilization. So sterilization aapko students ko sikhani hai ki kaise steam ke through jo things hain wo cook ho sakti hain. So idli is the best example. To aap students ko boliye ki jab aap traveling karenge to aapko idli leke aani hai, and kis tarike se aap idli banayenge, moist heat kaise use karni hai. So to teach any topic you have to create, you have to arouse interest in the students. Then there should be well-defined objective. Obviously, objective should be well-defined, that why are you teaching and for what aim are you teaching. If you are planning to take class on lecture method, agar aap sirf ek lecture method dena chahte hain, the following object will serve the purpose. After attending the class, a student will acquire knowledge regarding the practice of lecture method. So dekhiye, agar aap lecture bhi dete hain to wo bhi aapka objective ho sakta hai, there is no problem, kyunki kafi topics aise होते हैं जिस पे आप डिस्कशन नहीं कर सकते. अगर आप एक न्यू टॉपिक स्टूडेंट को सिखाने जा रहे हैं एंड समथिंग अबाउट विच दे डोंट नो एनीथिंग, तो हो सकता है आपको लेक्चर ही देना पड़े एंड उसके बाद उनको कुछ पता चले कि ओके, एंड फिर वो उससे कुछ रिलेट कर पाए अपनी लाइफ से. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक क्लास ऑन लेक्चर मैथड, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा होना चाहिए कि क्लास के बाद स्टूडेंट को वो नॉलेज भी मिले, तो आपका लेक्चर भी इफ़ेक्टिव होना चाहिए. Then comes the principles of individual differences. This is also a very important point because we all know कि हर बच्चा एक दूसरे से different है, हर student की अलग अलग qualities होती हैं, अलग अलग features होते हैं. तो teacher को हर student पर ध्यान देना है, हर individual difference को importance देनी है and attention देनी है. Then comes the principle of creativity. Principle of creativity means, देखिए अगर आप creativity लेकर आएंगे अपने काम के अंदर, creativity लेके आएंगे, तो teacher जो है वो student की passive learning को active learning में convert कर सकता है. For example, अभी देखिए मैं सिर्फ बोल रही हूँ, I am not creating anything, कोई creativity नहीं है. For example, creativity होती अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे cartoons का PPT लेके आती, ठीक है, तो कार्टून्स आते हैं, सो आप थोड़े मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते, एंड हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स तो बोर ही हो गए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. सो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिविटी मीन्स कि अगर आपको अपने स्टूडेंट की लर्निंग को पैसिव नहीं बनाना, एक्टिव बनाना है, देन यू शुड बी क्रिएटिव. तो क्रिएटिविटी से टीचर स्टूडेंट के बीच के अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट करता है, स्टूडेंट्स में एक मोटिवेशन क्रिएट करता है जिससे वो ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं. Then comes the principle of selection. You have to select. आपको पढ़ देखना होगा कि आप क्या कंटेंट पढ़ाने वाले हैं, कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, क्या मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, लाइक आई एम टीचिंग ऑनलाइन, क्या आप एड्स यूज़ करेंगे, क्या आप कोई बुक्स यूज़ करेंगे, कोई आर्टिकल यूज़ करेंगे. सो किस तरीके से आप अपनी टीचिंग को मीनिंगफुल एंड स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्रीहेंसिबल बनाने वाले हैं, सो यू हैव टू सिलेक्ट मैनी थिंग्स. Then comes the principle of division. Principle of divisions, we all know that particularly teaching activity should have definite division based on valid reason. And teacher ko aware hona chahiye about the division and present content to subject in well organized step. This is also a very important point. देखिए जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले मीनिंग, जैसे अभी हमने मीनिंग किया, देन हमने कुछ डेफिनेशंस की, देन हमने करेक्टरिस्टिक्स की, देन हमने टाइप्स किए, देन मैथड्स किए, नाउ हम प्रिंसिपल्स कर रहे हैं. तो आप अपने कॉन्टेंट को कुछ डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, लाइक डेफिनेशन, क्लासीफिकेशन, एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन. तो इस तरीके से हर डिवीजन को स्टेप बाय स्टेप टीच करें, सो दिस विल गिव अ वेरी गुड इफेक्ट. सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, दैट डिवाइड योर कॉन्सेप्ट्स इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि हमारी जो टीचिंग एक्टिविटी है उसका डेफिनाइट डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है फॉर द वैलिड रीज़न. एंड टीचर को अवेयर होना चाहिए कि कैसे वो डिवीजन करे एंड किस तरीके से कॉन्टेंट को स्टूडेंट्स के सामने रखे इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेप. Then comes the principle of revision and practice. जब भी आप कोई
कुछ पढ़ाते हैं या कोई टीचिंग सेशन लेते हैं तो टीचर हैज़ टू रिवाइज इन द मिडल एंड इन द एंड. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया तो अगर मैं उसको एक बार और आपको रिवाइज़ करा देती हूँ एंड में एक बार और रिवाइज़ करा देती हूँ, ठीक है, तो रिवाइज़ करने से भी आपका जो टीचिंग होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है. एंड जब आप एंड में समरी दे देते हैं एंड उस समरी को भी रिवाइज़ कराते हैं उसे कहते हैं रिकैपिचुलेशन. ऑल राइट, सो दैट इज़ कॉल्ड रिकैपिचुलेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टीवी शोज़ आते हैं तो उसके अंदर अभी तो बहुत ही कम लिखा रहता है, अदरवाइज़ जब हम बहुत छोटे थे तो जो शोज़ होते थे उसके अंदर लिखा होता था रीकैप. रीकैप मीन्स कि जो लास्ट मीन्स टेलीकास्ट हुआ था शो का उसके अंदर क्या दिखाया गया था, सो दैट इज़ कॉल्ड रिकैपिचुलेशन. तो रिकैपिचुलेशन मीन्स कि अभी तक आपको क्या पढ़ाया गया है उसकी एक समरी दिखा देना, छोटा सा भाग दिखा देना, वो क्या कहलाता है, रिकैपिचुलेशन. देन रिकैपिचुलेशन के साथ आपको ये भी मोटिवेट करना है कि स्टूडेंट्स ने जो सीखा है वो उसे प्रैक्टिस भी करें. देन कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन मीन्स कि आप उसे रिलेट कीजिए. आपने कोई चीज़ सीखी, आप देखिए कि क्या आप उसको कहीं रिलेट कर पा रहे हैं अपनी रियल लाइफ से, प्रीवियस नॉलेज से, आपके आने वाली नॉलेज से. सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ टीचिंग टू शेयर नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स. आपने जो भी सीखा है, आपके पास जो भी स्किल्स हैं उसे शेयर कीजिए. जब टीचिंग होती है तो टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए दैट ट्रांसफर्ड नॉलेज विल नॉट रिमेन सेग्रीगेटेड एज फार एज कोरिलेट विद प्रीवियस और रिलेटेड नॉलेज. जब भी आप टीचिंग करें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नॉलेज आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे बच्चे रिलेट कर पाएँ. उसके बारे में स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रीवियस नॉलेज है, कोई रिलेटेड नॉलेज है, तो उससे रिलेट करना क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन. देन दे शुड ऑल्सो कनेक्ट इट विद देयर लाइफ. आपको उन्हें लाइफ से भी रिलेट कराना चाहिए एंड दिस विल अनडाउटेडली, ये एक ज़रूरी पार्ट है टीचिंग का कि आप कुछ भी टीच करिए तो स्टूडेंट को बताइए कि देखिए ये इस तरीके से आपकी लाइफ से भी रिलेट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैक्सिमम अटेंशन होता है ह्यूमन बींग का, इसीलिए जो आपने देखे होंगे कि स्कूल के अंदर भी जो लेक्चर के आवर्स होते हैं वो 40 मिनट्स के अराउंड होते हैं, 45 मिनट्स के अराउंड होते हैं, क्योंकि एक टीचिंग जो सेशन होता है वो हमें पता है कि इतने टाइम ज़्यादा स्टूडेंट्स अटेंटिवली रह सकते हैं, इसके बाद ऑब्वियसली दे विल फील सम बोर्डम. सो टीचिंग जो सेशन है वो 45 मिनट्स का होना चाहिए, सो इन दिस वे दे कैन कनेक्ट विद देयर लाइफ. Then comes what are the good qualities of teaching or what are the qualities of good teaching. अच्छी teaching वही होगी जो हर individual का ध्यान दे, हर individual को force ना करे बल्कि उनको learn करने के लिए motivate करे, students को opportunities दे activity करने के लिए. आप उनको guide करेंगे, उनको learning कराएंगे and obviously आपकी teaching kindly होनी चाहिए and sympathetic होनी चाहिए, hard नहीं होनी चाहिए. आपको distance कम करना है between टीचर एंड लर्नर. आपकी टीचिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉलो नहीं करने. आपको कोऑपरेट कराना है सबको, सजेस्ट करना है सबको, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, मींस फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड ऑफ द स्टूडेंट्स होनी चाहिए. आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो डिज़ायरेबल हो एंड आपको क्लाइंट्स को, ऑब्वियसली अपने प्यूपल्स को, अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना है सो दैट दे कैन एडजस्ट देमसेल्फ इन द एनवायरनमेंट. आपकी टीचिंग प्रोग्रेसिव होनी चाहिए. देन हर लेवल ऑफ स्टूडेंट को कंसीडर करना है, हर किसी के इमोशनल स्टेबिलिटी को भी कंसीडर करना है. यू हैव टू स्टिमुलेट, आपको प्रीवियस नॉलेज से उनको रिलेट कराना है एंड टीचिंग करने से पहले ही केयरफुली उसको प्लान करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. देन कम्स द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, वेयर यू नो कि आपको नोन से अननोन पे जाना है. टीचर जब भी स्टूडेंट को पढ़ाए तो ध्यान रखिए कि प्रीवियस नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ पढ़ाने जा रहे हैं तो आप उनसे रिलेटेड उनको प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए एक क्लास के अंदर एक टीचर जो है वो कुछ भी सिखाने के लिए जा रहा है तो वो पूछेगा कि हाँ आपके पेरेंट्स को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिखा रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स को अपने ग्रैंड पेरेंट्स की या ग्रैंड
फादर की, ग्रैंड मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो पूछेंगे अपने स्टूडेंट से कि बताइए आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या करते हैं। तो नोन से अननोन पे जाना है, टीचर को अपनी स्टूडेंट्स की लर्निंग करानी है प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे। टीचर जब भी कुछ स्टार्ट करे तो ऐसा स्टार्ट करे जो स्टूडेंट्स को पहले से ही पता हो, एंड फिर उन कॉन्सेप्ट्स पे जाए जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ क्लास इन अ जेरियाट्रिक नर्सिंग कुड बी मोर कन्विंसिंग इफ़ द टीचर स्टार्ट द क्लास बाई इन्वाइटिंग द स्टूडेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द पर्टिकुलरिटीज़ और नीड ऑफ द ओल्ड एज पीपल फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस एंड देन प्रोसीडिंग टू फर्दर डिटेल विच इज़ अननोन टू दैम। तो अगर हमें स्टूडेंट्स को कुछ भी सिखाना है, सो वी हैव टू रिलेट विद द प्रीवियस नॉलेज। देन हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाइए, पहले आसान चीज़ बताइए फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स बताइए। तो स्टूडेंट्स को जब भी आप सिखाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उन्हें पेडियाट्रिक नर्सिंग सिखाइए पहले, फिर अडल्ट नर्सिंग सिखाइए। सो देर आर यू हैव टू गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देन फॉलो द रूल ऑफ कॉन्क्रीट टू ऑब्जेक्ट। कॉन्क्रीट होता है सॉलिड थिंग्स जो आप देख सकते हैं, अपनी फाइव सेंसेस से टच कर सकते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट जो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स को बोलिए कि आपको ये क्या दिख रहा है, तो वो चीज़ वो नहीं भूलेंगे। फिर उसके बेसिस पे उनका इमेजिनेशन बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट्स को एक मॉडल दिखा सकते हैं ग्लोब का, एंड फिर उनको इमेजिनेशन लाइए कि अच्छा हमारा अर्थ ऐसा है। सो टीचिंग के समय फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर क्या कर सकता है, उनको कुछ मॉडल दिखा सकता है, कोई कॉन्क्रीट चीज़ दिखा सकता है, एंड देन उनको बताएंगे कि हाँ अब सोचिए कि आप जो है जो रियलिटी के अंदर या इमेजिनेशन में सोचिए, जैसे ब्रेन का आपने उनको एक मॉडल दिखा दिया, एंड फिर आप देखिए कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है। तो आप सिर्फ कॉन्क्रीट से ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ सिखाइए। देन एनालाइज़ ऑफ सिंथेसिस। एनालाइज़ का मीन होता है कि एनालाइज करना, मीन्स चीज़ों को तोड़ना, वाइल सिंथेसिस का मतलब होता है ग्रुपिंग, जोड़ना। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। एनालाइज मीन्स यू हैव टू ब्रेक द प्रॉब्लम इन टू कॉन्वीनियंट पार्ट्स, वाइल सिंथेसिस मीन्स कि अलग अलग पार्ट्स को आपको होल के अंदर लाना है। सो एनालाइसिस में यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, सिंथेसाइज में यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ वन थिंग। आपको एक चीज़ क्रिएट करनी है, एनालाइसिस में यू आर ब्रेकिंग, वाइल सिंथेसाइज में यू आर मेकिंग अ ग्रुप एट वन प्लेस। So a complex problem can be made easy and simple by dividing into simple parts. को आप उनको different different parts में convert करके, तोड़ कर अलग अलग parts को सीखिए। For example, students को again आप पूरा एक topic सिखाने जा रहे हैं, तो पहले उनको उनकी definition सिखाइए, फिर feature सिखाइए। So teach them step by step. Then comes particular to general. Particular means जैसे for example, while teaching के वक्त teacher को first सबसे पहले कुछ particular statements ले लेने चाहिए। For example, earth is round, ठीक है। For example, the earth rises, जो भी है आपका position है, means जो universal truth होते हैं। All right, so you take just particular statements and उनके basis पे बोलिए कि okay, now generalize these things. So इससे भी क्या होगा, students की जो knowledge होगी वो बढ़ेगी। For example, the role of protein in bodybuilding and repair has to specify before generalizing the consequences of undernutrition. अगर particular thing हमें बताना होगा कि हाँ देखो protein हमारी body को build करने में help करता है, repair करने में help करता है, तो इसके basis पे वो generalize कर पाएंगे कि अच्छा अगर हम proteinous products नहीं लेंगे तो हम undernutrition में रह जाएंगे। Then comes the empirical to rational. Empirical knowledge वो होती है जब आप कुछ observe and कुछ experience करके gain करते हैं, while rational knowledge वो होती है जो आपके scientific basis पे depend हो। For example, जब आप teach करते हैं the nursing management of hyperexia to first year BSc students, तो teacher उनको empirical knowledge दे रहा है।
and to a rational one by explaining the scientific principle of placing the wet cloth on forehead to reducing the temperature. पहले आपने उनको observe कराया, experience कराया, so that is called empirical knowledge. And फिर आपने उनको सिखाया scientific principles, उनको सिखाए कि देखिए अगर हम कोई गीला कपड़ा अपने forehead पे रखते हैं तो उससे temperature क्या हो जाता है, low. So empirical से किस पे जाना है, rational पे जाना है. पहले उनको observe कराना है एंड फिर उनको प्रैक्टिकली वो चीज़ करानी है. देन कम्स इंडक्शन टू डिडक्शन. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी 2000 जुलाई 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है. इंडक्शन मीन्स कि आप क्या इंड्यूस कर रहे हैं, मीन्स आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं फ्रॉम द एग्ज़ाम्पल्स, वाइल डिडक्शन इज़ डिफरेंट. तो टीचर को हमेशा इंडक्शन से डिडक्शन पे जाना चाहिए. डिडक्शन मीन्स कि पहले आपको कोई चीज़ बता दी, ठीक है, एंड यू आर जस्ट ओके, ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड डिडक्शन. इंडक्शन मीन्स आपने कुछ देखा, समझा एंड उसके बेसिस पे रूल बनाया, कुछ कंक्लूड किया, सो दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन. देन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. साइकोलॉजिकल से मीन्स इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, उनकी मोटिवेट करके फिर आप उनको लॉजिकल चीज़ें सिखाइए. देन एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव. अगर आपको अपनी टीचिंग एक्सीलेंट बनानी है तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट शुड बी नोन शोन टू द चिल्ड्रन एज फार एज पॉसिबल, ताकि उनके दिमाग में एक कॉन्क्रीट चीज़ आ जाए. कॉन्क्रीट चीज़ आने के बाद आप रिप्रेजेंटेटिव पे जाइए. फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स, मॉडल्स, दे कैन बी यूज फॉर द ग्रोन अप्स और द सीनियर्स हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स. क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, कोई चीज़ कॉन्क्रीट में देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट को दिखाया कि देखो ये इस तरीके की टेबल होती है एंड अब आपको इससे अच्छी टेबल बनानी है, तो आपने जब स्टूडेंट को एक्चुअल में दिखाया, ठीक है, तो कॉन्क्रीट चीज दिखानी जरूरी है. देन नियर टू अ फार. हर स्टूडेंट को आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो उन सराउंडिंग से सीखे जिससे वो बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि इमीडिएट एनवायरनमेंट से हम ज़्यादा सीखते हैं. ग्रेजुअली ही मे बी टॉट अबाउट दोज थिंग्स विच आर फ्राम फार फ्राम हिज एनवायरनमेंट. पहले देखिए स्टूडेंट के पास क्या चीज़ें हैं, उससे उनको सिखाइए, फिर दूर की चीज़ों पर हमें उन्हें लेकर जाना चाहिए. ओके देन, सो थैंक यू सो मच. दिस वीडियो इज़ डन. And rest part we will do in the next video.